पीलीभीत जनपद में छात्र के साथ अश्लील हरकतें करने और कुकर्म का प्रयास करने वाले टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल छात्र टीचर से कोचिंग पढ़ने के लिए आता था। छुट्टी होने के बाद टीचर छात्र को रोक लेता था और कमरा बंद कर बीते एक माह से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और आज टीचर छात्र के साथ कुकर्म का प्रयास कर रहा था। छात्र की मां ने टीचर और छात्र को संदिग्ध अवस्था में देख लिया और पीड़ित छात्र की मां की तहरीर पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने अभियोग दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति का 12 वर्षीय पुत्र कक्षा 7 का छात्र है। छात्र मोहल्ले के ही एक टीचर से कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था। आरोप है कि टीचर बीते एक माह से छात्र के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। आज भी छात्र टीचर से कोचिंग पढ़ने के लिए गया हुआ था। कोचिंग की छुट्टी होने के बाद टीचर ने छात्र को रोक लिया और कमरा बंद कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कोचिंग की छुट्टी होने के बाद टीचर ने छात्र को रोक लिया और कमरा बंद कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के बाद दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था कि उसी समय छात्र की मां उसको लेने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंच गई। छात्र की मां ने कोचिंग सेंटर के सारे दरवाजे बंद होने पर खिड़की से झांक कर देखा तो टीचर और छात्र के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित मां के शोर मचाने पर अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और गेट खुलवाकर आरोपी टीचर को पकड़ लिया। उधर सूचना पर पहुंची थाना सुनीगढ़ पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर छात्र को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल कुकर्म का प्रयास करने के बाद छात्र काफी डरा और सहमा हुआ। क्या हुआ था भाई साहब बच्चे से? मैं मुझसे कहा था कि मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दूंगा, जो कि 6 बजे ट्यूशन खत्म हो जाती जब हम समझे कि 6:30 बजे तक आया था बच्चा हमारा, तो हम उसका आधार कार्ड लेने जा रहे थे। तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे रास्ते में उसकी बैंडो जो जिस कमरे में पढ़ाता था तो रास्ते में बैंडो लगी हुई है, तो वो भीड़ हुई थी, दरवाजा भी बंद था। तो जब हम वहाँ देखा कि वो सब बच्चे चले गए, कोई है ही नहीं, दरवाजा बंद है, तो पीछे से जब हम जा रहे थे तो हमने कहा हाथ मार के देखे बैंडो पे, देखा तो बैंडो खुल गई एकदम खुली, तो देखा कि मास्टर अपने कपड़े सारे उतार के और मेरे बच्चे के नीचे के सारे कपड़े अंदर नेकर बनियान उतारे, साथ उसके साथ बलत व्यवहार कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था जी। फिर जब मैं एकदम मेरा जुनून एकदम बढ़ गया था कि मैं जाके किमाड़ उसकी दरवाजे की तरफ गया, जब गया तो वहाँ देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। लोग आ गए आवाज देने पे, फिर मैं धक्का दिया किमाड़ में, दरवाजे मारे, फिर मैं और हमारी मिसिस थी वो चीखने चिल्लाने लगी, तो और आस पड़ोस के लोग भी आ गए, इकट्ठा हो गए। फिर इसने दरवाजा अपने कपड़े को पहन के जब निकला बाहर, तब फिर मैंने उसे पकड़ के सीधे थाने सुनगढ़ी ले गया। आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है जी सर। कुछ मामला दुष्कर्म का है, क्या मामला है? प्रथम दृष्टया ये आयुष कुमार नाम का बच्चा जिसकी उम्र लगभग 11 साल का है, ये अभी हमारे यहाँ इमरजेंसी में आया है, इसका मेडिकल मुआयना किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी नतीजा होगा बाद में आप बता रहे हैं। दुष्कर्म सिद्ध हो रहा है इसमें ऐसा कहना अभी संभव नहीं होगा। मेडिकल चल रहा है? हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन।